हेलो दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर पीओके भारत का हिस्सा जल्द होगा विलय। जी हां दोस्तों, बताएंगे केंद्रीय मंत्री का सबसे बड़ा बयान, सबसे बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां मालदीव के चुनावी नतीजों से चीन ही नहीं पाकिस्तान भी हुआ खुश। फवाद चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर उगल डाला जहर, बताएंगे क्या कहा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत में बंद हुआ अफगानी दूतावास, तालिबान पर मोदी सरकार की चीन वाली चाल से पाकिस्तान परेशान। जी हाँ दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बनेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि जल्द से जल्द पीओके को भारत में विलय होना चाहिए और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां वीके सिंह ने फिर किया बड़ा दावा, कहा पीओके भारत का हिस्सा, जल्द होगा भारत में विलय। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने रविवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके का फिर से भारत में विलय होगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री दिल्ली में राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन यानी मुस्लिम नेशनल फोरम द्वारा आयोजित पीओके के लिए तिरंगा रैली के दौरान बोल रहे थे। इस मौके पर वीके सिंह ने कहा कि ये जरूरी है कि हम समझे कि पीओके हमारी जमीन थी, हमारी रहेगी और इस पर कोई और कब्जा नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजों ने साजिश नहीं रची होती तो हमारी जमीन पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब वहाँ के लोगों में ये इच्छा और जागरूकता अपने आप पैदा हो जाएगी और फिर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जी हाँ, मुस्लिम नेशनल फोरम द्वारा आयोजित पीओके के लिए तिरंगा रैली लाल किले से शुरू हुई दिल्ली के बाद देश भर में ऐसे 100 से ज्यादा कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि ये तत्कालीन सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलतियां थी जिसके कारण पाकिस्तान ने जमीन पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, वैसे में बीजेपी सांसद ने दावा किया था कि पीओके जल्द ही अपने आप भारत में विलय हो जाएगा इससे पहले भी, और आज फिर ये बड़ा दावा किया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं वास्तव में भारत के लिए वो दिन दूर नहीं जब अपने आप पीओके भारत में विलय हो जाएगा तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और क्या मोदी सरकार को पीओके वाले मुद्दे पर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए दोस्तों, पाकिस्तान पर कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। और आज जितना ज्यादा उसके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ताकि हर कोई अपनी राय रख सके पीओके के मुद्दे पर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां फवाद चौधरी ने पीएम मोदी पर उगला जहर। जी हाँ, चीन समर्थक मोहम्मद मुइजू ने मालदीव का चुनाव जीत लिया है, अब मालदीव की कमान मुइजू के हाथ में है। इस खबर से चीन तो खुश है ही, साथ ही साथ पाकिस्तान में भी खुशी का माहौल है। देश के प्रधानमंत्री अनवार उन काकर से लेकर पूर्व मंत्री फवाद चौधरी तक मुइजू के साथ पाकिस्तान की तरफ से बधाई दे रहे हैं, लेकिन इस बधाई में वो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलना नहीं भूले। फवाद की माने तो मालदीव में नए राष्ट्रपति के बाद भारत की सेनाओं से देश को आजादी मिलेगी। इसके साथ इन्होंने पीएम मोदी का जिक्र भी विवादित तरीके से किया। पूर्व साइंस मिनिस्टर फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री काकर की बधाई वाली ट्वीट को रीट्वीट किया। इसी समय उन्होंने भारत और पीएम मोदी का जिक्र किया। फवाद चौधरी ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि मालदीव के नव निर्वाचित राष्ट्रपति मालदीव को भारतीय सेनाओं से मुक्त कराने के अपने वादे को निभाएंगे। मोदी की आधिपत्यवादी योजनाएं दुनिया के लिए खतरनाक है। जबकि पीएम काकर ने अपने ट्वीट में लिखा कि मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर डॉक्टर मोहम्मद मुइजू को हार्दिक बधाई, संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तानों के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जिस प्रकार से फवाद चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर यह जहर उगला है दोस्तों, और मालदीप को जिस प्रकार से भारतीय सेना से मुक्त करवाने की बात कही गई है, ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे फवाद चौधरी को, क्योंकि फवाद चौधरी सपने बड़े सुनहरे देखते हैं और फिर वो सपने पूरे नहीं होते तो रोते भी दिखाई देते हैं। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां भारत में बंद हुआ अफगानी दूतावास, तालिबान पर मोदी सरकार की चीन वाली चाल से पाकिस्तान परेशान। बता दे भारत में कूटनीतिक मोर्चे पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस वक्त जहां सारा ध्यान कनाडा के साथ गतिरोध पर है, वहीं अफगानिस्तान के साथ भी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। नई दिल्ली में अफगान दूतावास ने 1 अक्टूबर से अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है, लेकिन इस फैसले के पीछे कई सारे गणित और केमिस्ट्री है। अफगान दूतावास का संचालन अफगानिस्तान की पिछली सरकार के राजनयिक ही अभी तक कर रहे थे, जबकि करीब 2 साल पहले 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमा लिया था और उसके साथ ही पूर्ववर्ती अशरफ गनी की सरकार का भी पतन हो गया था। अफगानिस्तान के दिल्ली दूतावास ने एक बयान में कहा कि बेहद दुख, अफसोस और निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास अपने संचालन को बंद किया जा रहा है। जी हाँ, अफगानिस्तान दूतावास ने भारत को सूचित किया है कि तालिबान सरकार और नई दिल्ली से सहयोग की कमी के कारण इसे बंद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अफ्रीका में चीन को पटखनी देगा भारत, आर्मी चीफ रवाना हुए तंजानिया, आखिर कैसे ड्रैगन
थाईलैंड पर लगेगी लगाम। आपको बता दें अफ्रीका महाद्वीप में चीन लगातार गरीब देशों को धड़ल्ले से कर्ज देकर अपने जाल में फंसाने का खेल खेल रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने ऐसे गरीब देशों को कर्ज देने का काम किया है, अफ्रीका में अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अफ्रीका ने चीन की इस चाल को फेल करने के लिए पिछले कुछ सालों से सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया है। एक और G20 में अफ्रीकी संगठन को सदस्य बनाकर भारत ने चीन के दांव को फेल कर दिया। वहीं ताजा मामले में अफ्रीकी देश तंजानिया के दौरे पर भारत के आर्मी चीफ जा रहे हैं। चीन की अफ्रीका में गहरी राजनीतिक पैठ को कमजोर करने की दिशा में यह यात्रा काफी अहम है। तंजानिया में भारत की सैन्य पहुंच जारी रखते हुए भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी 4 दिनों की यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। जनरल पांडे 2 से 5 अक्टूबर तक अपनी यात्रा के दौरान तंजानिया के रक्षा मंत्री और रक्षा बलों के प्रमुख सहित अन्य लोगों के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और जुड़ाव को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करेंगे। आर्मी चीफ राजधानी दार एस सलाम ने नेशनल डिफेंस कॉलेज को संबोधित करेंगे। साथ ही डुलुटी में कमांड और स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट और फैकल्टी के साथ भी खास चर्चा करने वाले। ऐसे में दोस्तों तंजानिया के साथ चीन के जुड़ाव को भारत कमजोर करने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में दोस्तों आर्मी चीफ को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा कमेंट के माध्यम से। चलते अगली खबर की तरफ, जहां कनाडा में भी है एक पीओके, चल रहा आजादी का जबरदस्त आंदोलन। भारत के रुख से ट्रूडो के छूट रहे पसीने, बता दें खालिस्तान आंदोलन और खालिस्तानी आतंकियों का लंबे समय से कनाडा समर्थन करता रहा है। ये खालिस्तानी भारत के पंजाब समेत कुछ और राज्यों को मिलाकर एक अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये आंदोलन 1980 के दशक में खत्म हो चुका है, लेकिन अब नए सिरे से कुछ सालों में कनाडा में बसे खालिस्तानी समर्थकों ने उसे हवा देने की कोशिश की है। खालिस्तानी कनाडा में अपनी मांग के समर्थन में जनमत संग्रह भी करवाते रहे हैं। इसी तरह का एक जबरदस्त आंदोलन का सामना कनाडा खुद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा 10 प्रांतों और 3 टेरिटरी को मिलाकर बना है। कनाडा का सबसे बड़ा प्रांत क्यूबेक है। इसी क्यूबेक में लंबे समय से आजादी की मांग की जा रही है और वहां तेज आंदोलन चल रहा है। वैसे तो क्यूबेक 1867 से ही कनाडा का एक प्रांत रहा है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के आधार पर वो एक अलग संप्रभु देश की मांग करता रहा है। इसे कनाडा का पीओके कहा जाता है, जहां पाकिस्तान से आजाद होने के लिए चल रहे आंदोलन की ही तरह कनाडा से आजादी के लिए उग्र विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमर्स में क्यूबेक 78 सांसद चुनकर भेजता है, जो किसी राज्य के मामले में दूसरा नंबर है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां नेपाली पीएम प्रचंड का देश की संसद में बड़ा दावा, सरहदी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा चाइना। भारत को तगड़ा झटका, बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने रविवार को कहा है कि उनकी हालिया चीन यात्रा ने आपसी विश्वास के माहौल को और मजबूत किया है और दोनों पड़ोसियों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संसद में बोलते हुए 68 साल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ उनकी चर्चा ने नेपाल चीन संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद की। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों विभिन्न क्षेत्रों में हुए MOU समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए दोनों तरफ से प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने नेपाली संसद को जानकारी दी है कि चीन की मेरी नवीनतम यात्रा 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नेपाल की राजकीय यात्रा के बाद नेपाल से पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। इस यात्रा ने ऐसी उच्च स्तरीय यात्राओं के संदर्भ में नेपाल और चीन के बीच आपसी विश्वास के माहौल को मजबूत किया है। अगर दोस्तों वाकई में ऐसा है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए तगड़े झटके की बात है। दोस्तों अब देखना यह होगा कि जो नेपाली पीएम ने कहा है वो कितने हद तक सही है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ब्रिटेन से बड़ी खबर, जब हाउस ऑफ कॉमन्स में होने लगी सीएम योगी जी की चर्चा, ब्रिटिश सांसद ने तारीफ में लिखा पोस्ट कार्ड, बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा ब्रिटिश संसद में भी होने लगेगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाले सीएम योगी का देश विदेश में नाम लिया जा रहा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक ब्रिटेन के एक सांसद ने सीएम योगी को एक पोस्ट कार्ड भेजा है, जिस पर उन्होंने यूपी की बदली हुई धारणा के लिए उन्हें बधाई दी है। बता दें कि भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद वीरेंद्र शर्मा ने सीएम योगी जी को यह पोस्ट कार्ड भेजा है। जी हाँ, दरअसल लेखक शांतनु गुप्ता ने सांसद वीरेंद्र शर्मा को अपना सबसे अधिक बिकने वाला ग्राफिक नोवेल अजय 2 योगी आदित्यनाथ तोहफे में दिया था। इस ग्राफिक नोवेल की खास बात यह थी कि इसकी हर कॉपी में पोस्ट कार्ड था, जिसे योगी आदित्यनाथ को भेजा जा सकता था। बता दें कि हाउस ऑफ कॉमर्स में लेखक शांतनु गुप्ता ने उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने भरी सदन में कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में ब्रांड इंडिया बनाया, उसके कारण ही आज दुनिया भर में भारतीयों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। ब्रांड इंडिया के बाद अब ब्रांड यूपी पूरे भारत में एक मजबूत ब्रांड बन गया है। जी अगर आप भी मानते हैं कि योगी जी ने वाकई में उत्तर प्रदेश का नक्शा ही बदल दिया है दोस्तों, और पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में शांति ला खड़ा कर दिया है, तो कमेंट में लॉन्ग लिव योगी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। और योगी जी के बारे में 2 सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है दोस्तों, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कहिएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके भाई बंधुओं में शेयर कर दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी।